जब रूह निकलती है तो इंसान का मुंह खुल जाता है, होंठ किसी भी कीमत पर आपस में चिपके नहीं रह सकते। रूह पैर को खींचती हुई ऊपर की तरफ आती है। जब फेफड़ों और दिल तक रूह खींच ली जाती है और इनकी सांस एक ही तरफ यानी बाहर ही चलने लगती है, ये वो वक्त होता है जब चंद लम्हों में इंसान फरिश्तों और शैतान को दुनिया में अपने सामने देखता है। एक तरफ इब्लीस इसके कान में कुछ मशवरे देता है तो दूसरी तरफ उसकी ज़ुबान उसके अमल के मुताबिक कुछ अल्फाज अदा करना चाहती है। अगर इंसान नेक हो तो इसका दिमाग उसकी ज़ुबान को कलमा शहादत की हिदायत देता है। अगर इंसान काफिर हो, बददीन, मशरिक या दुनिया परस्त होता है तो उसका दिमाग कन्फ्यूज़ और एक अजीब हिबत का शिकार होकर शैतान के मशवरे की पैरवी करता है और बहुत ही मुश्किल है से कुछ अल्फाज ज़ुबान से अदा करने की कोशिश करता है। ये सब इतनी तेज़ी से होता है कि दिमाग को दुनिया की फजूल बातों को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। इंसान की रूह निकलते हुए एक ज़बरदस्त तकलीफ जहन महसूस करता है लेकिन तड़प नहीं पाता क्योंकि दिमाग को छोड़कर बाकी जिस्म की रूह इसके दिमाग में इकट्ठी हो जाती है और जिस्म एक गोश की बेजान लोथड़ी की तरह पड़ा हुआ होता है जिसमें कोई हरकत की गुंजाइश रहती। आखिर में दिमाग की रूह भी खींच ली जाती है। आँखें रूह को ले जाते हुए देखती हैं इसलिए कि आँखों की पतलियाँ ऊपर चढ़ जाती हैं या जिस सिमत फरिश्ता रूह कब्ज करके जाता है इस सिमत की तरफ होती हैं। उसके बाद इंसान की ज़िंदगी का सफ़र शुरू होता है जिसमें रूह तकलीफ़ों की तह खाने से लेकर आराम के महलात की आहट महसूस कर लगती है जैसा कि इससे वादा किया गया है जो दुनिया से गया वापस कभी लौटा नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी रूह आलिम ए बरज़ख का इंतज़ार कर रही होती है जिसमें इसका ठिकाना ना दिया जाएगा। इस दुनिया में महसूस होने वाली तवील मुद्दत इन रूहों के लिए चंद सेकंड से ज़्यादा नहीं होगी। यहाँ तक कि अगर कोई आज से करोड़ों साल पहले ही क्यों ना मर चुका हो, मोमिन की रूह इस तरह खींच ली जाती है जैसे आटे से बाल निकाला जाता है। गुनहगार की रूह खादूदार दरख्त पर पड़े सूती कपड़े की तरह खींची जाती है। अल्लाह सुबहान ताला हम सब को मौत के वक्त कलमा शहादत नसीब फरमाकर आसानी की तरह रूह कब्ज फरमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकअल्लाह।